बच्चों, आप सभी का रामगढ़ लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्लास 9 के चैप्टर 1 में हमारे आसपास के पदार्थ में आपने जाना कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं और पदार्थ के गुणों के क्या क्या अभिलाक्षणिक गुण धर्म है। आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए यह जानें कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। बच्चों, जब आप अपने आसपास के सभी वस्तुओं को देखते हैं तो आपको अलग अलग रूप में वस्तुएं दिखाई देती हैं। हवा, पानी, तेल, टेबल, लोहा, इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो आप देख रहे हैं कि मुख्यतः ये सारी वस्तुएं तीन रूप में यानी तीन अवस्थाएं में मिलती हैं। ये तीन अवस्थाएं ही पदार्थ की अवस्थाएं कहलाती है। तो ये तीन अवस्था है हमारा ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस, द्रव और गैस जो है वो पदार्थ के कणों के विशेषता के कारण होते हैं। तो आइए हम देखते हैं ठोस में क्या होता है कि पदार्थ के कण बिल्कुल आपस में नज़दीक नज़दीक सटे हुए होते हैं। इनके बीच का आकर्षण बल बहुत बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये बहुत नज़दीक सटे हुए होते हैं। इनमें कहीं पर भी रिक्त स्थान नहीं होता है, जिसके कारण पदार्थ का एक निश्चित आकार होता है। इसका आयतन निश्चित होता है, अगर क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब निश्चित है, तो इसका आयतन भी निश्चित है। अगर हम इसे दबाना चाहे किसी ठोस को आप तो उसको हम दबा नहीं पाते, क्योंकि उसके कण इतने नज़दीक नज़दीक है, रिक्त स्थान है नहीं, तो हम दबाएंगे तो वो दबता भी नहीं है। तो इसमें नगण्य संपीड़िता पाई जाती है। नेक्स्ट इसका जो गुण है वो है ये दृढ़ है। बिल्कुल जब आप दबा नहीं सकते तो बिल्कुल दृढ़ है। और इसमें विसरण कम होते हैं, मतलब एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलते कम है। इसका उदाहरण हम चीनी, लोहा, ये सब इसका उदाहरण है। अब आप ये बोलेंगे कि चीनी को तो हम जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन ये ध्यान दीजिए, वो बर्तन का आकार लेता है लेकिन उसके चीनी के जो क्रिस्टल हैं वो उसी आकार में होते हैं जिसमें वो है। अब हम दूसरी अवस्था के बारे में जानें, द्रव। द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, तो इसमें रिक्त स्थान रहता है, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो एक लीटर पानी आपका, चाहे वो कटोरे में डाले, चाहे वो ग्लास में डाले, चाहे किसी बोतल में डाले, वो एक लीटर ही रहता है। तो द्रव का आकार आयतन निश्चित होता है। अब द्रव को हम दबा सकते हैं कि नहीं, वो संपीड्य है कि नहीं, आप याद कीजिए, आप बैलून में अगर पानी डालते हैं तो क्या आप दबा पाते हैं? बिल्कुल हाँ, लेकिन थोड़ा सा। तो यह संपीड्य है, तरल द्रव बहता है, क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं है तो वो बहता है। आप पानी डालते हैं तो वो आप देखते हैं वो बह जाता है। अब विसरण यानी एक द्रव में दूसरे द्रव भी मिल जाते हैं, ठोस भी मिलते हैं और गैस भी मिलते हैं। इसका मतलब कि हमारे द्रव में विसरण की जो है वो विसरण ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। अब गैस की बात हम करते हैं, गैस के कण जो होते हैं बिल्कुल बहुत दूर दूर होते हैं। इन गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए ये एकदम दूर दूर होते हैं और ये इनके अंदर काफ़ी रिक्त स्थान होता है, इसलिए इसका आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। और संपीड्य, इसको तो बहुत ही अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। जब आप बैलून में हवा भरते हैं तो आप देखते हैं आप मन चाहे उस आकार में बदल सकते हैं दबाकर। ये भी तरल है क्योंकि ये भी बहता है और इसमें भी विसरण की दर बहुत अधिक पाई जाती है। इसमें अंदर में रिक्त स्थान बहुत अधिक है तो इसमें कोई भी चीज़ विसरित हो जाते हैं, ठोस भी
द्रव भी और गैस भी। इसका उदाहरण ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमारे पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उनका क्या क्या गुण है, और उन गुणों के आधार पर हम पदार्थ की तीन अवस्थाओं को में कैसे अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आप अपने कॉपी में इन अंतरों को लिखेंगे। धन्यवाद।